1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे है। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले इस यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस न रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी के ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियन राइट्स है, वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कनकन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं, उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी इसके सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए एक सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल एचडी पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहे जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बता दें नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल एचडी पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट,
कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी भी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्म को लेकर, कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चर्चे देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था, और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरह के सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग
सीरीज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी की लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी है जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर, जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड लॉस्ट जैसे मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरीके सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो। इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करेगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्म को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे है। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कन कन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवीज के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी
इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी के कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कह जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्मों की पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीजन से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरीके से सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरीके से सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामले में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली YouTube रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को YouTube पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। YouTube प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफ़ी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा फिल्में के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी के चर्चे और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग
इस मूवी को लेकर एक्साइट हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नए प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइट हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने का सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइट हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फ्लोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी की लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइट हो आप हमें कॉमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन-कौन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए एक्साइट है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइट हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने
वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली OTT फिल्म नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसकी रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्म के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल HD फिल्म पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सब्सक्रिप्शन राइट्स है। वर्ल्ड वाइड TV प्रीमियर और टेलीविजन प्रीमियर नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कौन कौन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफ़ी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवीज के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड सर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहे जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्म को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा, इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों,
इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा, यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें किलर ऑफ द फ्लावर मून द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरीके सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफी सारी जगह से इस मूवी के चार्ज से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चार्ज से एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफी अच्छी चर्चे देखने को मिला, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज के साथ काफी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड लॉस्ट जैसे मूवीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया, इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक
मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल HD प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्म को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले इससे पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड TV प्रीमियर और टेलीविजन प्रीमियर नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कन कन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क, हॉटस्टार, प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवीज के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहा जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे मूवीज है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी भी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी की पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी की इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर, कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इंफॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामले में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है, अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून द वॉल ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के प्रचार से और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है, आप हमें कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़ा रीजन से मूवी की कहानी रहा था, मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे।
उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज़ की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज़ को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमेरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमेरून ने इससे पहले यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कौन-कौन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल एचडी पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ
रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी के कहानी स्टोरी के रीज़न से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कह जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेड वॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी भी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्म को लेकर, कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने का सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि
ही दोस्तों हम आप सभी को बता पाएंगे दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा डिजिटल नेटवर्क के साथ। काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फ्लोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी की लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी है जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर, जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड लॉस्ट जैसे मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्में को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन प्रीमियर
पॉपुलर नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज़ किया जा रखा है। ये मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी कहानी, सबसे बड़ी कहानी राइटर, ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कन कन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफ़ी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क, हॉटस्टार, प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवीज़ के सर्चेस काफ़ी ज़्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज़ के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज़ में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहा जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना और डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ में आने के रीजन से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा, इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला। काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया। उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे।
ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी की पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफ़ी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रेमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज या रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने का सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फ्लोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके के पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज स्पेशल एज बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया, इस तरह के सिनेमा रिलीज़ की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम
टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्में को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे हो रखा है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले इस यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कनकन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफ़ी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी इसके सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कह जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्म को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना और डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीजन से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा
फिल्में के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल एंट्रो के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें किलर ऑफ द फ्लावर मून द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी की पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चार्ज से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चार्ज से एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगाइए
ये वीडियो इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सब्सक्राइब मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले इससे पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कन कन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल एचडी पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहा जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल एचडी पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट,
कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी की पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी की इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर, कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामले में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज से और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चार्ज से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चार्ज से होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था, और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चार्ज से एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके के पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है, आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग
डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड आज जैसे मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कॉमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर इपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले इस यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस न रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है, वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कौन कौन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफ़ी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी
भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल एचडी पर देखना पसंद करोगे। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कह जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बता दें नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्म को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना आज डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्म के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया। उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी और रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के प्रचार से और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग
इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने का सबसे बड़ा रीजन सी मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फ्लोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर, जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे है। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले इससे पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने
वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसकी रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड TV प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कौन कौन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क, हॉटस्टार, प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहा जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी की पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी की इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना और डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीजन से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्में के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों
इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला। काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया। उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा। डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज से और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरीके के सिनेमा रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाएंगे दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चार्ज से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चार्ज से होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चार्ज से एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज स्पेशल इज बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर, जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज़ की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज़ को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो। इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक
मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एच डी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करेगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है, जो लोग लंबे वक्त से इस तरीके सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले इस ज़्यादा पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी के ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एच डी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कौन कौन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफ़ी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल एच डी पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहा जा रहा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बता दें नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेड वंस, इंस्पेक्शन रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा।
जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्मों की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर, कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरीके से सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला, डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरीके से सिनेमा रिलीज को लेकर, पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है, अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है, डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज या रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला, डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चार्ज से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चार्ज से होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चार्ज से एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला, मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था, मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर, अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे।
उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो। इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों, आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमेरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे है। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल एच डी प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कनकन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं, उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क, हॉटस्टार, प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपनी मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल एचडी पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ
रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहे जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्प ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना और डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी तो देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें, किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर के पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के प्रचार से और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि
दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा डिजिटल नेटवर्क के साथ। काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने का रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्म की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कॉमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरह के सिनेमा फिल्म के पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर, जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसे मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज़ की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज़ को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करेगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्में को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है, जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी अच्छा से हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले यदि पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस न रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था, और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन प्रीमियर
फिल्में नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज़ किया जा रखा है। ये मूवी की सक्सेसफुल स्टोरी कहानी, सबसे बड़ी कहानी राइटर, ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कन कन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफ़ी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवीज़ के सर्चेस काफ़ी ज़्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज़ के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज़ में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलैरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलैरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कह जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताए थे नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे मूवीज़ हैं जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी भी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे नए मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना और डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा तो दोस्तों बता दें इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज़ के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे।
ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी की पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्म के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के प्रचार से और रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने का सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के साथ से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने का रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फ्लोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी के लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर, अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगाइए वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी, जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम
टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज़ करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्में को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीज़न से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीज़न से अब तक इस मूवी के पॉपुलरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले इस ज़्यादा पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे। ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है। वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है। एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कन कन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क हॉटस्टार प्रीमियर नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज़ में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहे जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्प ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स, इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर। कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना और डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा फिल्में
करने के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरह के सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल एंट्रो के फैन काफ़ी खुश है इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली यूट्यूब रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को यूट्यूब पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल एचडी रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें किलर ऑफ द फ्लावर मून द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ पॉपुलरिटी और मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफ़ी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी के चर्चे या रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने के सबसे बड़े रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चर्चे देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चर्चे होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चर्चे एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी अच्छी चर्चे देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फॉलोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरह के पॉपुलर सिनेमा रिलीज पर देखना पसंद है आप हमें कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरह के सिनेमा प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर प्रीमियर पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज स्पेशल इज बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी की लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी और जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड आस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगाइए
ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा। हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सब्सक्राइब मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल HD प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ OTT प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रखे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के OTT रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमेरून, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, टाइटैनिक मूवी के फुल HD प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करेगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफी सारे डिजिटल नेटवर्क फिल्में को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे है। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर इपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी अचानक से हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इससे पहले पॉपुलर कोई भी मूवी के इंट्रोड्यूस न रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली OTT प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था और ये मूवी आप सभी को फुल HD प्रीमियर पर देखना है। मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है, वर्ल्ड वाइड TV प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है, एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कंगन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क, हॉटस्टार, प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवी के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कन कन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक भी इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहा जा रखा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर
कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बता दें नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेड वंस, इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारी मूवीज है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी के पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर, मूवी के इन्फॉर्मेशन फिल्में को लेकर, कम वक्त के अंदर मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी उसी लेवल तक देखने को मिलना, आज डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ इस तरह के सुपर सक्सेसफुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज में आने के रीज़न से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी रह गया था। आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो इस तरह के सिनेमा के साथ साथ कौन सी मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मूवी इन्फॉर्मेटिव लगा इस तरीके से सिनेमा रिलीज के साथ पॉपुलर मूवी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे, ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास लगा। तो दोस्तों बता दें इस मूवी के डायरेक्टर ने जेम्स कैमरन ने इसके साथ साथ पिछले टाइम अवतार मूवी को इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कलेक्शन की थी, जिसके साथ साथ मूवी के कलेक्शन के अंदर ही मूवी के चर्चे देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क के फैन काफ़ी खुश है इस तरीके से सिनेमा रिलीज को लेकर। पॉपुलरिटी के मामलों में मूवी काफ़ी चर्चे में ले गया। 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफ़ी अच्छी तहलका पिट गया है। अभी भी इस मूवी के पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। रिलीज इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मूवी आप सभी के लिए नेटफ्लिक्स के अलावा डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मूवी की यूट्यूब रिलीज को लेकर एक्साइट हो रहे थे, जी हाँ दोस्तों इस मूवी के स्पेशली YouTube रिलीज के लेकर ही एक्साइटेड हो रखे थे, तो दोस्तों ये आप सभी को YouTube पर इस वक्त देखने को नहीं मिलेगा। YouTube प्रीमियर के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिलेगा ही, पर दोस्तों उससे पहले आप सभी को ये मूवी के फुल HD रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलरिटी देखने को तो मिल ही जाएगा। मूवी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा खास आप सभी को लगने वाला है। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से मूवी के चर्चे भी उसी लेवल तक देखने को मिला, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग रह गया इन मूवीज़ के चर्चे के साथ साथ। और आप सभी को बता दें किलर ऑफ द फ्लावर मून, द वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट जैसे मूवी के साथ साथ लियोनार्डो ने टाइटैनिक मूवी से अपनी पॉपुलरिटी बना लिया, उसी के साथ उनने रोमियो जूलियट जैसी मूवी को लीड कास्ट के साथ काम कर चुके थे। ये मूवी ने बजट रहा था 200 मिलियन उस टाइम पर, जो कि उस टाइम के बजट पर भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 2.264 बिलियन की कमाई किया था, जो कि अभी अगर ये मूवी को फिर से रिलीज किया जाता था तो दोस्तों मूवी के कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकेगी और मूवी के पॉपुलरिटी भी आप सभी को इसी लेवल तक देखने को मिल सकती थी। पर दोस्तों मूवी काफ़ी बेहतरीन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स और मेकर्स ने भी इस मूवी को डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके साथ साथ मूवी आप सभी के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतरीन लग चुका था। डिजिटल नेटवर्क फिल्में के साथ साथ पॉपुलरिटी मूवी के प्रचार से आप सभी को देखने को मिलना काफी बेहतरीन बात रह गई। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सिनेमा प्रीमियर के साथ साथ पॉपुलर मूवी या रिलीज और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए वीडियो प्रीमियर की पॉपुलरिटी के साथ हम आप सभी के लिए काफी सारी बेहतरीन मूवी के चार्ज या रिलीज प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हो, इन मूवीज़ के साथ आप लोग नई प्रीमियर मूवी और इस तरह के सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के मामलों में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी आप सभी को लगने का सबसे बड़ा रीजन ही मूवी की कहानी और स्टोरी रहा था। और दोस्तों मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के साथ साथ काफ़ी सारे जगह से इन मूवीज़ के चर्चे भी देखने को मिला। डिजिटल नेटवर्क्स प्रीमियर और काफ़ी सारे फैन अभी भी इस मूवी के रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी को बता पाए कि दोस्तों इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर सिनेमा नेटवर्क भी आप सभी को मिल जाएगा। डिजिटल नेटवर्क के साथ काफ़ी सारी जगह से इस मूवी के चार्ज से देखने को मिलने के साथ साथ हम आप सभी के लिए नई मूवी के पॉपुलरिटी रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। स्पेशली ये वीडियो के चार्ज से होने के रीजन से मूवी की कहानी और मूवी के पॉपुलरिटी रहा था, और मूवी एक काफ़ी खास मूवी आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम इस मूवी के चार्ज से एक अलग ही लेवल की पॉपुलरिटी के साथ मिला हुआ था। डिजिटल नेटवर्क के फैन की तरफ से भी मूवी को काफ़ी
अच्छी चर्चा देखने को मिला। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी इन मूवीज़ के साथ काफ़ी नई मूवी को इंट्रोड्यूस करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले इस मूवी के चर्चे के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क के फैन फ्लोइंग इन मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो रखे थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए वीडियो फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ इन मूवीज़ को रिलीज़ में देखने के लिए एक्साइटेड हो, और मूवी के साथ साथ आप सभी को किस तरीके पॉपुलर सिनेमा रिलीज़ पर देखना पसंद है आप हमें कॉमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इस तरीके सिनेमा फिल्में की पॉपुलरिटी के साथ साथ अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा सुपर फिल्में पॉपुलर मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए इज अ स्पेशल इज अ बेस्ट सिनेमा प्रीमियर रहने वाला है। टाइटैनिक मूवी उस टाइम से लेकर अब तक की इतनी हिट मूवी की लिस्ट में आने का सबसे बड़े रीजन से मूवी की कहानी रहा था। मूवी की स्टोरी है जेम्स कैमरन जिनकी डायरेक्टिंग पर, जिन्होंने अवतार मूवी के साथ साथ काफ़ी सारी सुपर सक्सेसफुल और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ को लेकर आया, जिनमें से उन्होंने 1991 में टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर अवतार वे ऑफ वाटर, द टर्मिनेटर अवतार द फायर एंड अस जैसी मूवीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी सारे नए मूवी चर्चे में आया। इस तरह के सिनेमा रिलीज की प्रीमियर पॉपुलरिटी आप सभी को भी देखने को मिल गया था। अगर दोस्तों अपकमिंग डेज में इस तरह के सिनेमा प्रीमियर और पॉपुलर मूवी के साथ आप लोग मूवी को एंजॉय करना पसंद करते हो, दोस्तों आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए हिट मूवी प्रीमियर पॉपुलरिटी के साथ साथ नए सिनेमा रिलीज़ को लेकर एक्साइटमेंट और मूवी के पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, जो आप सभी के लिए एज अ सुपर सक्सेसफुल मूवी एज अ खास प्रीमियर मूवी साबित हो जाएगा। तब तक के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, इसके साथ साथ आप लोग किस तरह के सिनेमा रिलीज प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आप सभी के लिए और भी ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सुपर हिट मूवी के चर्चे और मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के साथ साथ ओटीटी प्रीमियर और यूट्यूब रिलीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। 1997 की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक एडवेंचरस मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक मूवी के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज प्रीमियर और इस मूवी के ओटीटी रिलीज के साथ साथ ये मूवी आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इस मूवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ मूवी से जुड़ी सारी रिलीज अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर देने वाले। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया है जो 1997 की रोमांटिक मूवी के हिंदी प्रीमियर और साथ ही साथ मूवी के ओल्ड वर्ल्ड रिलीज के लिए एक्साइटेड है। अमेरिकन इपिक रोमांटिक डिजास्टर मूवी जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरन, जिन्होंने इससे पहले वन ऑफ द पॉपुलर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सुपर पॉपुलर मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों टाइटैनिक मूवी के फुल एचडी प्रीमियर और मूवी के रिलीज के लेकर एक्साइटेड हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। स्पेशली इन दिनों हम वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ मूवी के रिलीज स्टार्टिंग प्रीमियर और पॉपुलरिटी के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम टाइटैनिक मूवी के पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे चर्चे हुआ था। ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जगह से रिलीज करने के साथ 1997 के बाद इस मूवी को इतने सालों तक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रखे और यूट्यूब रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर को लेकर मूवी के चर्चे हो रखे हैं, जिसके रीजन से ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग लंबे वक्त से इस तरह के सिनेमा पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो रखे हैं। टाइटैनिक मूवी वन ऑफ द पॉपुलर एपिक रोमांटिक मूवी है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड में ब्रेक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी के रिकॉर्ड इस मूवी ने ही बनाया था, जिसके रीजन से अब तक इस मूवी के पॉपुलैरिटी और चर्चे हो रखा है वर्ल्ड वाइड। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इससे पहले इस यदि पॉपुलर कोई भी मूवी इंट्रोड्यूस नहीं रहे थे, ये उनकी पहली मूवी थी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हाइएस्ट ग्रॉस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को ऑफिशियली आप लोग नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाओगे। मूवी की ऑफिशियली ओटीटी प्रीमियर नाइट नेटफ्लिक्स के पास है, जिसके रीजन से नेटफ्लिक्स के जैसी काफ़ी सारे डिजिटल नेटवर्क प्रीमियर के पास इस मूवी के ऑलरेडी सफिशियंट रह गया था, और ये मूवी आप सभी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना है मूवी के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आप सभी को टारगेट करके बनाया है। नेटफ्लिक्स के पास इस मूवी के सफिशियंट राइट्स है, वर्ल्ड वाइड टीवी प्रीमियर और टेलीविजन नेटवर्क के साथ इस मूवी को रिलीज किया जा रखा है। ये मूवी के सक्सेसफुल स्टोरी कहानी सबसे बड़ी कहानी राइटर ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड कहानी दिखा जा रखा है, एक बेहतरीन कहानी आप सभी को लगेगा। आप सभी में से कौन कौन रोमांटिक अमेरिकन मूवी को पसंद करते हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो स्पेशली ही टारगेट करके बनाया है। पिछले कम वक्त के अंदर ही इस मूवी ने फिर से एक बार पॉपुलरिटी बना लिया था। काफी लंबे वक्त से डिज्नी नेटवर्क, हॉटस्टार, प्रीमियर, नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज में आ रही थी, और यूट्यूब के जैसी फ्री प्लेटफॉर्म पर भी इन मूवीज के सर्चेस काफी ज्यादा रह गया, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा इन मूवीज के फ्री प्लेटफॉर्म पर भी
उतने ही चर्चा देखने को मिला। ये सब देखते हुए डिजिटल प्रीमियर के राइट्स प्रीमियर फैन इन मूवीज़ को रिलीज़ में देखने के लिए एक्साइटेड हो रखे थे और हमें काफ़ी कमेंट्स मिला मूवी को लेकर, मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर। अगर दोस्तों आप लोगों में से कनकन टाइटैनिक मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं, 1997 की मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने जिस तरह के VFX यूज़ किया था, जिस तरह इस मूवी की कहानी को इंट्रोड्यूस किया, वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ के लिए लायक है, जिसने काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी की बना लिया, जिसके पॉपुलरिटी फैन लोगों को इतना पसंदीदा लगा था कि दोस्तों अब तक इस मूवी के चर्चे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक सुपर सक्सेसफुल मूवी साबित होने वाला है। अमेरिकन मूवी होने के बावजूद भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट फैला दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक इस मूवी के वर्ल्ड वाइड चर्चेज और इस मूवी के पॉपुलरिटी अभी भी देखने को मिल जाता है। इस मूवी को आप ऑफिशियली फुल HD पर देखना पसंद करोगे तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर इस मूवी को नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन पर रिलीज कर दिया और ये मूवी ओरिजिनल बेस्ड कहानी के साथ रिलीज होने के साथ साथ मूवी के पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी अब तक की हिट मूवी के लिस्ट में आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के पॉपुलरिटी के साथ आप लोग इन मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी मूवी है, मूवी की कहानी स्टोरी के रीजन से ही ये मूवी इतनी सक्सेसफुल मूवी कहे जा रहा है और लोगों ने इस मूवी के पॉपुलरिटी के साथ साथ रिलीज इन्फॉर्मेशन और पॉपुलर को लेकर हमें काफ़ी लंबे वक्त से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे, जिसके रीजन से फाइनली आप सभी को बताते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी को फुल HD पर प्रीमियर किया जाएगा। मूवी के अंदर लीड कास्ट में लियोनार्डो डिक्राफियो, कैट विस्लेट, कैथे वेड्स जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। लियोनार्डो जो कि इस मूवी के लीड कास्ट में है, जिन्होंने इससे साथ 1997 की मूवी के बाद द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, किलर ऑफ द फॉर्म्स, द रेबॉन्स इंस्पेक्शन, रोमियो जूलियट जैसी सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज़ को ऑलरेडी इन्होंने लीड कास्टिंग के साथ काम कर चुके हैं। इनकी पॉपुलरिटी के मामलों में काफ़ी सारे मूवीज है जिनके कम वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी पॉपुलरिटी बनाया था। इसी तरह के सिनेमा रिलीज के साथ साथ काफ़ी सारी नई मूवी की पॉपुलरिटी मिलता ही गया। अगर दोस्तों आप लोग भी इन मूवीज़ के रिलीज इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलर सिनेमा रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लंबे वक्त से इस तरह के